कोई शरीर की नहीं है, ये अंदर की बात हो गई ना। मैंने असल में क्या है, लिस्या का संबंध रंग से है, का मतलब जो है ना योग की प्रवृत्ति का नाम है। तो हमारे पहले कषाय अवस्था में उस सकषाय, ये अकषाय लिस्या, ये जो लिस्या है ना भगवान की, ये अकषाय लिस्या, इसलिए शुक्ल लिस्या मानी गई है भगवान। हाँ, तो ये जो स्थूल रूप में अब अपन संसारी है ना, तो हम अपना गणित देखते हैं, तो हम अपनी लेस्या की बात करते हैं मुख्य रूप से। तो ये लेस्या की बात हो गई। और क्या है देखो, भविया, बताओ अनंत भगवान भव्य है क्या अभव्य, कोई शक? अच्छा, और बताओ सम्मत, अनंत भगवान का सम्यक तो बताओ, छाईक सम्यक तो अनंत। अब प्रश्न मैं पूछ रहा था, जो संगी आपने बोल दिया था ना पंचेंद्री में, इंद्री में, अब बताओ संगी है क्या असंगी है? संगी है भगवान। और आहारे, बताओ आहार, आहार सहित है क्या निराहार है भगवान? आहार दो प्रकार का होता है, एक बाह्य आहार और एक अंतरंग आहार। बाह्य आहार तो जो अपन, तो श्वेतांबरों ने तो भगवान को खिला दिया, वो भी कवला आहार खिला दिया, लेकिन हमारे यहाँ पे भगवान कवलाहार नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान आहारक हैं। क्या क्या आहारक हैं भगवान? क्यों? क्योंकि कर्म आहार, नो कर्म का आहार, ये उनके चल रहा है भाई। कर्म योग के निमित्त से कर्म भी उनके साथ में हैं, और कर्म का आना भी उनको लगा हुआ है, इस अपेक्षा से वो आहारक हैं। और विशेष रूप से नो कर्म, ये जो शरीर है ना, शरीर में नए नए परमाणु आ रहे हैं, नए पुराने परमाणु जा रहे हैं, तो आहार भी है और निहार भी है। क्या बोला? भगवान के आहार भी है और निहार भी है। और यदि भगवान का निहार नहीं होगा तो क्या होगा भगवता? मैंने परमाणु आते जाएंगे आते जाएंगे, भगवान तो मोटे होते जाएंगे, फिर वो समचतुर्थ संस्थान का क्या होगा? इसलिए परमाणु आ रहे हैं तो परमाणु जा भी नहीं रहे हैं। तो उस अपेक्षा से ये सारा विचार जब है, ये मूर्ति में जब अपन ये सब विचार करते हैं ना, तो अब आपको जो भगवान की मूर्ति दिखेगी वो कैसी दिखेगी बताओ? अब आपको भगवान की जीवंत मूर्ति दिखेगी, जीवंत। ऐसा एक जगह कविता में ऐसा आता है भजन वगैरह में, रुको रुको कहाँ जा रहे हो, और कहाँ जा रहे हो, बोले क्यों क्यों रोक रहे हो, क्यों रोक रहे हो? देखना भगवान बोलने वाले, ऐसा लिखा, वचन बोलत मनो, वचन बोलत मनो हसत काल से हरम। वचन बोलते हैं मानो, वचन उनके मुखारविंद से निकल रहे हैं, और मानो हंस रहे हैं, हंस रहे हैं, हसत कालुष हरम, वो हंस रहे हैं मानो उसके माध्यम से हमारे चित्त की जितनी भी कलुषता है, जितना भी शोक है हमारा, वो सारा का सारा दूर हो रहा है। और एक बोलने वाली बात भी आती है, अब कहाँ पर कौन से गीत में आती है आप ध्यान देना, कि बोलने वाली, बोल रहे हैं मान, और बोल अपन तो बोलते ही है ना, अंतर्मुख मुद्रा हो, हाँ उसमें है, तो वो जो है बोलने वाली बात भगवान। और अभी रुको, अभी बोलने वाले हैं नहीं, वो तो 24 घंटे बोल रहे हैं, हम सुन नहीं रहे हैं, हम तो इतने क्या हैं, ढीठ 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 होते हैं ना, ढीठ ढीठ किसको कहते हैं, जिसको खूब कहा जाए लेकिन उसके बाद भी वो ना सुने, उसको कहते हैं ढीठ। तो हम लोग कैसे हो गए कि भगवान निरंतर बोल रहे हैं और हम बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं, हमारे से बड़ा कोई दूसरा ढीठ नहीं होगा। ऐसी जो है बड़ी सुंदर चर्चा है, विशेष बात। अविनाशी